हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने विंडो 10 में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में टाइम एंड डेट सेटिंग कैसे करें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर देखें विंडो 7 में, अगर डबल क्लिक यहाँ पर अपडेट टाइम पर कीजिएगा तो ये सारे चीज़ आ जाते हैं, बट यहाँ से चेंज नहीं करना है हमको। चेंज करने के लिए हमको करना क्या होगा, चेंज करने के लिए आप जा सकते हैं एक ये यहाँ से विंडो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको टाइप करना है सेट डेट एंड टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज द डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पे दिया हुआ है सेट टाइम ऑटोमेटिकली। अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो इंडिया का टाइम है उसके हिसाब से यहाँ सेट हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सेट करना है, जैसे आपको टाइम ऐसे नहीं सेट हो पाया ऑटोमेटिकली, आप सेट करना चाहते हैं यहाँ सेट टाइम ऑटोमेटिकली जोन में, आप नहीं क्लिक करके यहाँ पे आप इसको ऑफ करके यहाँ से चेंज द टाइम कर सकते हैं। यहाँ सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली, इसको यहाँ सेट करने के लिए आप यहाँ से डेट आप चेंज कर सकते हैं, जो डेट देना है डेट यहाँ चेंज हो गया। यहाँ मंथ चेंज कर सकते हैं, मंथ चेंज हो गया। यहाँ ईयर चेंज कर सकते हैं, ईयर चेंज हो गया। यहाँ टाइम आप जो सेट करना चाहते हैं, जितना टाइम आप देना चाहते हैं 11:40 जो देना है आपको, यहाँ से करके और चेंज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हुए यहाँ देख सकते हैं आपके डेट एंड टाइम चेंज हो चुका है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा, और आपको किस लैपटॉप के संबंधित किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।